सारे पिंड भाई हैं जैम सिंह रब के दस सन भी जैम सिंह पिंड मेरा हरिया ना मेरा जसप्रीत कौर आ मेरे जीवन की गवाही इस तरह के गवाही मेरे पापा की है वो बहुत ही चिर तो बीमार रेंदे सी मसीह तो नहीं आ पर फिर भी अं अपनी तरफों मैं उन्होंने दुआ करती हाँ चार महीने तो मंजे ते ही बहुत ज़्यादा उन्हों का मंदा हाल हो गया उनका लक ही बरस दर्द हों लक दर्द तो ही पता नहीं किनिया कि बीमारियां लग गई हैं तो वो चार महीने हो गए दो बार हस्पताल भी रह के घर चले गए कि जो घर जाते ही उदो फिर ज़्यादा हो जाते ही तो हस्पताल भी बड़े बड़े दिन रह के जाते रहे तो हूँ फिर दूसरी बार जो हस्पताल रह के फिर घर गए तो बहुत ज़्यादा तंग हो गए ही उन्होंने इतों तक करके खाना भी छड़ दिता ही हूँ खाना भी नहीं खाते तो बहुत वधिया उनकी सेहत ही तो बिल्कुल सुख सुख के तो थोड़ी जी सेहत रह गई सी उन्हां दी अं जो इस तरह जाने हाँ पता लैन तो अं वेख वेख के तो रोने हाँ तो पर उहदे लागे नहीं हाँ रोंदे अगों पिछों हो के रोना भी अजे तुहाडी बड़ी लोड़ आ तो हाले प्रभु तुहानूं चंगा ही करे ठीक ही कर दे तो मैं जो भी जाना मैं अपनी तरफों दुआ करनी उन्हां लई वचना चो जिन्नी कु मैनूं आउणी मैं वचना चो प्रार्थना करनी उन्हां लई नाले नपणा घुटना नाले दुआ करनी मैं कहना प्रभु तेरे वचन च लिखा तू बज तो तेरे नाल घराणा बचाया जाएगा मैं कहना ये जेड़े साढ़े अगे पिछे सारे साढ़े घराने प्रभु साढ़े नाल साढ़े घराने बचाए जाण तो मैं इस तरह नाल नाल घुटदी रहना विश्वास पता नहीं वो करते ही कि नहीं करते पर मैं नाल घुटदी नपदी रहना नाल ही दुआ करती रहना उन्हां लई तो उन्होंने कहना कि मैनूं चैन जिहा होया माड़ा जिहा जदों मैं पुछना भी ठीक कहिंदे हाँ चैन है मैं ठीक आ तो हुण इस तरह ही फिर ना वाहवा टाइम हो गया इदां लंघ गया तो असीं इस तरह थोड़े दिन होए कल परसों उन्होंने जो उका खाना छड़ दिता तो अं इस तरह रोज़ दुपहरे भैन सारिया भैन कट्ठिया बहने प्रार्थना करते हैं तो इस तरह मेरे जेठ दियां कुड़ियां भी दो ते नाल एक होर ही भैन ही चार पाँच जनियां बेटियां प्रार्थना करते रोज़ दो ढाई घंटे दुपहरे बैठ के प्रार्थना करते हैं तो मैं इन्होंने भी कहा मैं क्या भी अज ना मैं क्या एक मेरे भैन की बेटी नहीं ठीक ओली प्रार्थना करिए तो एक मैं क्या मेरे पापा ठीक नहीं आते मैं क्या मैं तो करती करती तुम भी अज मेरे नाल प्रार्थना करो तो अं उन्होंने बड़ी मनो तनो प्रार्थना की कि मैं क्या वो खाना नहीं खा डे तुम प्रार्थना करो तो आप प्रार्थना करिए कि खाना खाण डे भैन वो वाकई जिस दिन अं फिर उन्होंने सारे ने मिल के प्रार्थना की तो वह हूँ उदन के ही खाना उदन ही शाम उन्होंने खाना खा लिया ही उदन के बिल्कुल उठ के तुरन फिरन भी लग पे आते खाना भी खाण डे पे आ बिल्कुल हूँ ठीक ने इसलिए मैं सारे भैन और भैन भरा मन जैम सिंह रब के दस सन भी जैम सिंह जी मैं जो इतों रब के दस बोलते ही ना कि छू जो छूओ जिन्होंने छूना चाहते तुम तो मैं इतों भी छूनी हाँ मैं कहनी प्रभु ताड़ा आत्मा मेरे पापा छूवे तो जो भी उन्होंने जीवन के बीमारी कमजोरी है वो ताड़ी पवित्र अग दे भस्म हो जाए इसे वक्त ताड़े स्वर्ग दूत जाण तो वाकई जो जो भी इतों सानू दास बोलते जो कहें कि छूओ जिन्हों छूना चाहता वाकई जो इतों छूने तो प्रभु जिस वास्ते भी प्रार्थना करते हैं तो वो वाकई प्रभु वो काम करते हैं तो हूँ बिल्कुल ठीक मैं फिर उन्होंने दसिया मैं क्या हूँ ठीक कहते ठीक है मैं हूँ खाना खा डे पाया तो मैं उन्होंने दसिया मैं क्या भी अं ताड़े लिए प्रार्थना करते हैं तो मैं क्या हूँ केंद्र जो प्रार्थना करते ढाडी केंद्र सुनी गई उस तरह बिल्कुल विश्वास घट करते केंद्र ढाडी उदन उन्हें कहा कि वाकई तेरी प्रार्थना जी सुनी गई है मेरे ते रब ने दया करती है कृपा करती है तो मैं हूँ ठीक आ तो मैं बड़ी उदन उस दिन खुशी हुई मैं सारे दसाया कि मैं आप दवा कर दे रहा तो हूँ मेरे पापा बिल्कुल ठीक आ तो तुरन फिरन भी लग पे तो सारे भैन भैया जैम सिंह रब दसान भी जैम सिंह तारीफ करो जोर देना।